शादी से पहले इस एक्ट्रेस को डेट करना चाहते थे अभिषेक बच्चन। जी हाँ, शादी से पहले एक ऐसी एक्ट्रेस को डेट करना चाहते थे अभिषेक बच्चन, जिसके बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू में जिक्र किया। दरअसल सभी ये जानते हैं कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की लव मैरिज है। अभिषेक ने ऐश्वर्या को प्रपोज किया और उसके बाद साल 2007 में दोनों ने शादी रचाई। परिवार की सहमति से हुई इस शादी में काफ़ी मेहमान जुटे थे। ये शादी अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा खास थी। यूँ तो इन दोनों बच्चन फैमिली की काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं की जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि अभिषेक और ऐश्वर्या का तलाक होने वाला है। हालांकि इन तमाम मामलों पर फुल स्टॉल तब लगा जब अभिषेक और ऐश्वर्या एक साथ पिछले दिनों नजर आए। इसी बीच में अभिषेक के कुछ पुराने किस्से भी याद किए जा रहे हैं। शादी से पहले अभिषेक की एक ऐसी ख्वाहिश थी जिसको वो पूरा करना चाहते थे। दरअसल ये ख्वाहिश क्या थी और क्या असल मायने में ये ख्वाहिश सच्ची थी, इसके बारे में खुलासा करते हैं। अभिषेक और ऐश्वर्या के रिश्तों में खटास की खबरों पर अब कहीं ना कहीं लगाम लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ऐश्वर्या और अभिषेक के एक पुराने इंटरव्यू के बारे में भी चर्चा की जा रही है। ये इंटरव्यू सिमी गेरवाल ने लिया था। उनके शो में अभिषेक बच्चन से पूछा गया कि किसके साथ वो डेट करना चाहते हैं, तो एक्टर ने चौंकाने वाला जवाब दिया था। अभिषेक बच्चन के पास कोई नाम था ही नहीं। यही वजह थी कि अभिषेक ने हंसते हुए सिमी गरवाल का ही नाम ले लिया और कहा कि वो उन्हीं के साथ डेट करना चाहते हैं। हालांकि अभिषेक बच्चन का ये इंटरव्यू शादी से पहले का है, जिसको सिमी गरवाल के शो में देखा गया। ये इंटरव्यू उनके शो में शूट किया गया था, जहां पर अभिषेक ने सिमी को ही डेट करने की बात कर दी। बता दें, सिमी गरवाल खुद एक जानी मानी एक्ट्रेस रह चुकी हैं। अभिषेक बच्चन के साथ डेट पर जाने की बात सुनकर सिमी बहुत खुश होती हैं। हाँ, इस दौरान अभिषेक बच्चन के माता पिता भी वहीं मौजूद थे, यानी कि अभिषेक बच्चन के माता पिता अमिताभ बच्चन और जया बच्चन भी वहीं उस मौके पर मौजूद थे। वेल, बात करें अभिषेक की, तो अभिषेक और ऐश्वर्या ने साल 2007 में शादी की और इसके बाद उनकी बेटी आराध्या का जन्म हुआ। अब इन दोनों के रिश्ते को टूटने की जहां तक बात चल रही थी, इसी बीच में ऐश्वर्या और अभिषेक की नज़दीकियों की वीडियो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में आने लगी, जिसके बाद कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में डिवोर्स की खबरों पर फुल स्टॉप लगता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती कि आज भी ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं या नहीं।